हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल सफल इलेक्ट्रिकल में। ये देख सकते हैं, ये सीलिंग फैन है, ये सीलिंग फैन डेड है। आज हम इसी को चेक करेंगे, ये चल क्यों नहीं रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, इसमें तीन तार दिया हुआ है, किसी किसी सीलिंग फैन में चार तार रहता है। आज हम इसी तीन तार को पहले हम चेक करेंगे कि किस कारण से सीलिंग फैन चल नहीं रहा है। तो देखिए, चेक करने के बाद कोई भी रीडिंग नहीं बता रहा है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। अब इसका हम बॉडी चेक कर लेते हैं। तो देखिए, सीलिंग फैन में बॉडी भी नहीं बता रहा है। तब हम इस फैन को खोल लेंगे। खोलने के बाद पता चलेगा कि क्या इसमें फॉल्ट है। और हम सजा देंगे, उसके बाद ऊपर वाला बॉडी को हटाएंगे। तो देखिए, बाहर से कॉइल बिल्कुल ठीक लग रहा है देखने में। चलिए इसका देखिए, लीड जो है, लीड वाले तार को हम काट कर निकाल लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर लेंगे जितना भी स्लीव है। और इसके जगह हम नया तार लगाएंगे, इस पुराना तार का कोई काम नहीं है। तो देखिए, हम प्रेस कर लिए। यहाँ देखिए एक तार है और यहाँ देखिए दो तार। ये अंदर वाला वाइंडिंग का है, जो रनिंग वाइंडिंग है, रनिंग और स्टार्टिंग का एक एक तार है। और ये देखिए, ये दो तार जो बीच में जो गैप है, देखिए दोनों में पेपर लगा हुआ है। ये पहला और लास्ट वाइंडिंग है। इसको हम एक ब्लेड लेंगे। देखिए, ब्लेड से हम इसके ऊपर वाले इंसुलेशन को हटा लेंगे। इंसुलेशन इसीलिए हटा रहे हैं क्योंकि इसका जो दोनों तार है, रनिंग और स्टार्टिंग का, जो लीड वाला तार निकलता है वो लीड वाला तार टूट चुका है। देखिए, इंसुलेशन हट चुका है। अब चलिए इसको हम सीरीज बोर्ड की सहायता से टेस्ट करेंगे और वाइंडिंग को टेस्ट करेंगे, वाइंडिंग में रीडिंग आ रहा है या नहीं। तो देखिए, रनिंग वाले वाइंडिंग में रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब अंदर वाला वाइंडिंग सही है। अब देखिए, बाहर वाला वाइंडिंग जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, उसमें भी रीडिंग आ रहा है, इसका मतलब वाइंडिंग हमारा सही है। अब चलिए, हम इसमें क्या करना है। अब देखिए, ये जो हम जिसमें हम ब्लेड से साफ किए इंसुलेशन को हटाए हैं, इस पर हम दोनों तार को सोल्डिंग करेंगे। देखिए, यहाँ पर एक रनिंग का है और एक स्टार्टिंग का, सॉरी, और एक रनिंग का है। इसमें जो इंसुलेशन जिसमें हम हटाए हैं, इसमें दो तार को हम सोल्डिंग करेंगे। पहले हम पेस्ट लगा लेंगे इसमें, उसके बाद सोल्डिंग आयरन की सहायता से हम रंगा को पिघला कर इसमें रंगा हम सटा देंगे दोनों वाले वाइंडिंग में। तो देखिए, रंगा सट चुका है। अब देखिए, दो तार लेंगे, दो कलर का, एक काला वाला और एक लाल वाला। तो लाल वाला तार जो है हम बाहर वाले वाइंडिंग में देंगे, जो हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है, और काला वाला तार को हम अंदर वाले वाइंडिंग में, जो रनिंग वाइंडिंग है। तो देखिए, सोल्डिंग हो चुका है। अब देखिए, ये जो दो तार बच रहा है, इसमें हम तार को जोड़ देंगे। माचिस की सहायता से तार के ऊपर वाले इंसुलेशन को हटा लेंगे। देखिए, इंसुलेशन हट चुका है। अब हम इसमें स्लिप पहनाएंगे, जीरो नंबर का स्लिप लेंगे और स्लिप को उस तार के अंदर हम पहना देंगे। स्लिप को पहनाने के बाद ठीक उसी प्रकार हम दो तार लेंगे, और एक काला तार और एक लाल तार। लाल तार को हम बाहर वाले वाइंडिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग में जोड़ेंगे और काला वाला तार को रनिंग वाले वाइंडिंग में जोड़ेंगे, और ऊपर से हम दो नंबर का स्लिप पहना देंगे। देखिए, चारों तार में हम एक एक करके स्लिप को पहना देंगे और इस टाइप का हम एक नंबर का टायर लेंगे और टायर से अच्छी तरह से स्लिप को टाइट कर देंगे ताकि लीड ना हिले। अब चलिए, लीड को हम शाफ्ट के बाहर निकालते हैं। शाफ्ट को बाहर निकालने के लिए शाफ्ट में एक तार को हम अंदर डालेंगे और उसके बाद जोड़कर अच्छी तरह से हम धीरे धीरे बांधकर चारों लीड को निकाल देंगे। पहले इसमें तीन लीड था, अब इसमें चार लीड है। तो देखिए, ये दो रनिंग और दो स्टार्टिंग के कलर कोड के हिसाब से जिस पहले बनाया गया है। अब हम चलिए इसको, चारों लीड को हम चेक करते हैं। तो देखिए, स्टार्टिंग वाला लीड सही है और रनिंग वाला लीड भी सही है। अब हम बॉडी इसका चेक कर लेते हैं। तो देखिए, बॉडी नहीं बता रहा है, इसका मतलब वाइंडिंग ओके है और स्टेटर ओके है। अब फैन को हम सेटिंग कर लेते हैं। बैरिंग के अंदर डाल के स्टेटर को डाल देंगे और अच्छी तरह से घुमाएंगे। उसके बाद रोटर को फिट करेंगे और उसके बाद बाहर वाले ढक्कन को हम फिट कर देंगे और सभी नटों को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। तो देखिए, फैन टाइट हो चुका है। अब हम इसमें कंडेंसर को लेंगे, कंडेंसर के कनेक्शन को जोड़ेंगे, एक लाल तार और एक काला तार में कंडेंसर को जोड़ेंगे और एक लाल तार काला तार को दोनों को आपस में जोड़ देंगे, जो हमारा कॉमन वाला तार रहेगा। अब चलिए, फैन को हम चेक करते हैं। तो देखिए, फैन देखिए घूम रहा है, इसका मतलब फैन चलने के लिए रेडी है। तो इस तरह से आप अपने घर में डेड सीलिंग फैन को रिपेयर कर सकते हैं।